इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर एनआरसी मरकजी हुकूमत के पास अपनी नाकामी छिपाने के बहुत सारे रास्ते हैं, जिसमें एक जो हवा खड़ा किया जा रहा है वो है एनआरसी का। तमाम महाज पर नाकाम सरकार के पास आवाम को गुमराह करने के लिए यही मौजू बाकी रह गए। वैसे तो मजहबी तशद्दुद नफरत का माहौल यही तो मोदी सरकार की खुराक है। हिंदू मुस्लिम को इतना बढ़ाया जा रहा है कि दो लोग दो वक्त की रोटी का सवाल ही ना पूछे। पर शर्म इन्हें आती नहीं कि मिज़दाक वजीर खारजा यानी गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में जो एनआरसी यानी शहरियत कौम रजिस्टर को लेकर जो बयान दिया है बेहद शर्मनाक है। मुल्क का वजीर खारजा किस सोच विचारधारा से मुतासिर है इससे अंदाजा लगा सकते हैं। क्या खुलकर मुसलमानों की मुखालफत करना और दूसरे मजाहब के नाम लेकर कहना कि सभी को एनआरसी में माफी दी जाएगी, और मुसलमानों का नाम लिए बगैर कहना कि इस तरह से तुम घुसपैठिए हो, यह बेहद शर्मनाक है। इस तरह भी कहा जा सकता था कि जो इस मुल्क के शहरी मुसलमान है इन्हें छोड़कर जो भी विदेशी या बाहरी है उन्हें हम बाहर निकालेंगे, पर ऐसा नहीं कहा। या एनआरसी के जरिए जो अब पूरे मुल्क में लगाने की बात कही जा रही है और खासकर मुसलमानों में एक डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। देश को अराजकता की ओर ले जाने का फैसला ही शायद मोदी सरकार ने लिया हुआ है। जिस तरह से हुकूमत के खिलाफ उठती आवाज को दबाने की हर लिहाज से कोशिश की जा रही है, सेक्युलर विचारधारा को दबाने के लिए मुकदमे दायर कर इन्हें जेल भी भेजा जा रहा है। मॉब लिंचिंग के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जिन 50 इल्मी दानिशवरों ने खत लिखकर देश में नफरत का जहर घोलने पर चेतावनी दी थी, अब इन पर देशद्रोह के मुकदमे दायर किए गए, जिसमें खासकर अपर्णा सेन, रामचंद्र गुहा और मनी रत्नम है। इन पर ही देश और प्रधानमंत्री की शख्सियत को बदनाम करने का इल्जाम लगाया गया, यानी किस तरह का डर खौफ हर एक के दिल में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यह देश किस दिशा में जा रहा है किसी के समझ में नहीं आ रहा। मोदी और शाह इसराइल के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश तो कर रहे हैं, जिसका नतीजा यकीनन खतरनाक हो सकता है। असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए देश के अकलियतों को निशाना बनाना और असल मसाइल को बगल देना वैसे तो नया नहीं रहा, पर देखा यही जा रहा है कि उठती हुई हर आवाज को दबाया जा रहा है। सरहदी रियासतों का तो अंदाज लग सकता है, पर कर्नाटक में एनआरसी लागू करने का फैसला कुछ और ही पैगाम देता है। समझ में नहीं आ रहा कि इतनी क्या जल्दी है और इसके नतीजे क्या निकल सकते हैं। रियासत के वजीर खारजा बसवराज बोम्मई ने कहा कि जल्द कर्नाटक में एनआरसी को लागू किया जाएगा, जिसमें बेलगाम शहर भी है। कर्नाटक के कई शहरों में कुछ ही हफ्तों में एनआरसी की जांच होगी। कर्नाटक हुकूमत ने इसके लिए डिटेंशन कैंप भी बनाया। आपको ये भी सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि कर्नाटक में डिटेंशन कैंप भी बनाए जा रहे हैं, जिनके पास अगर वो सही कागजात हासिल नहीं होंगे उन्हें गिरफ्तार कर उन डिटेंशन कैंपों में रखा जाएगा। यकीनन वो कौन लोग होंगे वो आप खुद ही समझ सकते हैं। कुछ ही हफ्तों में एनआरसी की जांच होगी। कर्नाटक हुकूमत ने इसके लिए जो डिटेंशन कैंप बनाए हैं, जो फिलहाल बेंगलुरु से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर नेलमंगला में तैयार किया हुआ। कईयों का कहना है कि जानबूझकर मुसलमानों में डर पैदा करके हुकूमत का खौफ इनके दिल में रहे और मुस्लिम माशरा दूसरे नंबर का शहरी यानी कि सेकंड सिटीजन बनने के लिए जहनी तौर पर तैयार रहे। ये दिनों में जो भारत को एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम भी कहा जा रहा है। कुछ सामाजिक खिदमतगारों का ने तो कहा है कि जिस तरह अमित शाह ने बंगाल में बयान दिया कि मुसलमानों को छोड़कर किसी भी दूसरे मजाहिब वालों को देश छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा, हुकूमत तो कहती है आपके लिए फॉरन ट्रिब्यूनल होगा जहां पर अपनी बात रखने का हक और आजादी आपको होगी। पर बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है जो आसाम में लिए गए, जहां तकरीबन 19 लाख लोग एनआरसी की फहरिस्त से बाहर हो चुके हैं और कई सारे मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि मुसलमानों को छोड़कर दूसरे मजहब के लोगों को माफी दी जाएगी। वही दूसरे ओर जहां गरीब
और मुफलिस अकलियती समाज के मुस्लिम माशरे के लोग जो अदालत के चक्कर काट रहे हैं, जो फॉरेन ट्रिब्यूनल के नाम से, जहां पर वो पूरे कागजात होने पर भी वहां महीनों चक्कर काटने के बाद हजारों रुपये खर्च करने के बाद भी इंसाफ नहीं मिल रहा। सवाल यही उठता है कि अगर एक खास समाज को ही किसी मसले में उलझा कर इनको पूरी तरह से माशी और समाजी तौर पर कमजोर करने की कोशिश जो की जा रही है, जरूरत है कि भारत को मजबूत बनाने की, ना के ट्रिपल तलाक, लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, बाबरी मस्जिद, हिंदू मुस्लिम गोरक्षा के तहत असल मसाइल से तवज्जो हटाकर मनमानी कारोबार चलाए। अब जनता को ही सवाल उठाने की जरूरत है। खासकर हमारा ये गुजारिश रहेगी, इल्तजा रहेगी कि जो सेक्युलर हिंदू भाई है वो अपनी जिम्मेदारी को समझकर आगे बढ़े और सत्ता से सवाल पूछे। जो सत्ता में बैठे हैं हुकुमशाहों से भारत में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था पर रोक ठोक सवाल करे, वरना अकलियतों पर हो रहे जुल्म पर अगर अक्सरियत समाज खामोश रहेगा तो देश यकीनन अंधेरे में गर्क हो जाएगा, जिसके लिए हम सब जिम्मेदार होंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।